माइक्रो टीवी के अनुराधा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी न्यूट्रेला चॉकलेट स्प्रेड की हेल्प से सैंडविच बनाना। हम लोग नॉन स्टिक पर और सामान्य तवे पर बना सकते हैं, तो चलिए उसके लिए मैंने घी रखा है, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन कर ली और तेज आँच पर, आप बिना घी के भी बना सकते हैं और थोड़ी सी चिकनाई के साथ भी इसको बना सकते हैं। ब्रेड रखा, हल्का सा प्रेस, हमारा ब्रेड अच्छे से सिका होना चाहिए तभी टेस्ट अच्छे से आता है। इस साइड में भी हमने बटर लगाया थोड़ा सा। देखिए कितना गोल्डन ब्राउन सीक गया है। दोनों साइड से सीक गया। अब हम इसको हटा लेंगे, दूसरी प्लेट में रखेंगे और दूसरे ब्रेड के लिए घी लगाते हैं। चारों कॉर्नर्स को दबाते हुए सीखा है। देखिए कितना अच्छा सीखा है। हमारी ब्रेड सिक चुकी है, मैंने इसको ज्यादा दबाकर सेका है। देखिए अभी पतला हो गया साइज में, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए न्यूट्रेला चॉकलेट स्प्रेड लगाते हैं। आप इसको लगाने के बाद ब्रेड को कोई भी आकार दे सकते हैं जैसा कि आपके बच्चे पसंद करते हों। लग गया अच्छे से, ऐसे रोल भी कर सकते हैं, बच्चों को पसंद आएगा। दूसरा ब्रेड लेते हैं, इस पर फिर से न्यूट्रेला चॉकलेट स्प्रेड लगाते हैं। आप लेयर मोटी या पतली अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। इसको मैं इस प्लेट में रखती हूँ। अच्छे से फैला लिया। इसको हम इस ब्रेड के ऊपर रखेंगे। इसको हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं दोनों ब्रेड पीस, और बच्चों को पसंद आए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रायंगुलर शेप में भी कट कर सकते हैं। हमारे पास ये पीस है, इस पर लगाएंगे। बनाते बनाते ही खाने का मन करने लगता है, सो यम्मी एंड टेस्टी। इसको अलग आकार देने के लिए हम बीच में से कट करेंगे। ये केवल बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाकर खिलाने का एक तरीका है, बाकी आप सिंपल वे में भी बच्चों को खिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।